हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म के डायलॉग को लेकर देश भर में विरोध किया जा रहा है। करणी सेना ने आदिपुरुष डायलॉग लिखने वाले लेखक मनोज मुंतशिर और डायरेक्टर को कूटने की धमकी दी है। आदिपुरुष लिखने वालों से लेकर इसे बनाने वालों तक से भारत के लोग खासे नाराज हैं। आदिपुरुष फिल्म को लोग चिरकुटाई की संज्ञा दे रहे हैं। इसके डायलॉग बेहद घटिया और आपत्तिजनक हैं। करणी सेना ने कहा कि यदि इस फिल्म पर बैन नहीं लगाया गया तो इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लेखक और डायरेक्टर तक की कुटाई की जाएगी। हम तो ये जो भी आदिपुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हाथ में आया कूट देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमें मुंबई की टीम तैयार कर देंगे, तो वेटर निकालो, हम चलेंगे। सीधी सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज्य की बात है, हिंदुत्व की बात है, तो साहब करणी सेना तो प्योर राष्ट्रप्रेमी है, एक नॉन करप्टेड संगठन है जो बिल्कुल 100% क्षत्रियों के साथ साथ देश हित की राष्ट्र की बात है। वही निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मदन मोहन दास ने कहा कि इस फिल्म के निर्माताओं कलाकारों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। कोई भी हमारे आराध्य श्री राम के ऊपर ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है। हम सनातनियों को इस फिल्म का विरोध करना चाहिए, केवल हिंदू ही नहीं अपे तो प्रत्येक भारतवासी को, क्योंकि राष्ट्र पुरुष है भगवान श्री राम और राष्ट्र और राम दो नहीं है। तत्काल इसका विरोध करना चाहिए और फिल्म को पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए और उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए, हम तो आज बोल रहे हैं और सदैव बोलेंगे और पूरे भारत में बोलेंगे, कथाओं के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से कहेंगे और अपने अनुयायी जितने भी हैं उनसे कहेंगे कि ऐसी फिल्म का बहिष्कार किया जाए। एक बात और आ रही है, वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।